What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. कोलकाता की एक वर्ल्ड फेमस रेसिपी आज बना रहा हूँ, झालमुरी, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई रेसिपी है। मुंबई स्टाइल भेलपुड़ी तो पहले बनाई हुई है और आप सबको वो वन ऑफ द बेस्ट IFL रेसिपीज लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है, और ये रेसिपी मैंने कभी पहले बनाई नहीं थी ऑन द चैनल, इसलिए आज बना रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, बहुत मज़ा आता है खाने में ऑब्वियसली, और एक इसमें एक इंटरेस्टिंग मसाला होता है, भाजा मौशला जिसको कहते हैं, एक गरम मसाला होता है, तो वो बहुत सिंपल चार इंग्रेडिएंट से बन जाता है, तो वो पहले बनाऊंगा, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके झालमुड़ी बनती है, तो वो भी कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले भाजा मसाला या भाजा मौशला वो बना लेते हैं। तो एक पहले पैन सेट कर लीजिए और उसको हाई हीट पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार आपका पैन गर्म हो जाए तो आँच को एकदम धीमी कर दीजिए। आँच धीमी करने के बाद इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं, तो 2 टेबलस्पून जीरा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। जीरा पहले थोड़ा सा भून रहा हूँ क्योंकि जीरा मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा भूनना है दूसरे मसालों से, तो बस 1-2 मिनट के लिए जीरे को अच्छे से भून लीजिए। ध्यान देना है कि आपको जो इसकी आँच है वो एकदम लो रखनी है, हाई फ्लेम पर कोई भी मसाले को आप कभी भी भूनेंगे तो वो जल जाएगा और उसका फिर बिटर टेस्ट आएगा, सारा फ्लेवर भी उड़ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो जीरे को मैंने 1-2 मिनट के लिए भून लिया है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर 2 टीस्पून साबुत धनिया ऐड कर रहा हूँ, 2 टेबलस्पून सौंफ और 4-5 हरी इलायची। ये तीनों मसाले डालने के बाद भी आप अच्छे से कंटिन्यूसली स्टर करते हुए मसालों को भूनिए, लो फ्लेम रखनी है, और मसालों का रंग जब तक नहीं बदल जाता है और अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं आती है तब तक आपको मसालों को अच्छे से भूनना है। तो अच्छे से भूनते रहिए। अब आप देख सकते हो मैंने 3-4 मिनट के लिए और अच्छे से मसालों को भुना है और रंग भी इनका थोड़ा सा बाहर से चेंज हो चुका है, अच्छे से भून चुके। इस स्टेज पर मसालों को एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोल के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद आपको मसालों को अच्छे से ठंडा कर लेना है पीसने से पहले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छे से 5-7 मिनट के लिए मसालों को ठंडा कर लीजिए। मसाले आपके अच्छे से ठंडे हो जाएं तो एक मिक्सर ग्राइंडर में इसे ट्रांसफ़र करके आपको एक फाइन पाउडर बना लेना है। तो मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए सारे मसाले, अच्छे से पीस लीजिए और एक फाइन पाउडर बना लीजिए। अब आप देख सकते हो मैंने मसालों को अच्छे से पीस लिया है, एकदम फाइन पाउडर बन चुका है और ये हमारा भाजा मसाला या भाजा मौशला वो रेडी हो गया। तो बहुत ही आसान है ये मसाले को बनाना और कई सारी कोलकाता में रेसिपीज़ में ये यूज़ किया जाता है, सिर्फ झालमुरी में नहीं, बाकी अलग अलग सब्जियों में भी यूज़ किया जाता है, और बहुत ही ईजी है इसको बनाना, आपने देख लिया, सिर्फ 4 मसालों की ज़रूरत है। तो ये रेडी हो गया। अब झालमुरी बनाने के लिए काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलकर बनाया जाता है, जैसे कि मूरी तो इसका बेस होगा, और झालमुरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी स्पाइसी होती है और इसमें मस्टर्ड ऑयल जाता है जिसमें काफ़ी झांस होती है, तो वो दोनों चीज़ें मिलकर ये एक बहुत ही यूनिक किस्म की भेलपुड़ी बनती है बेसिकली। तो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे प्याज, टमाटर, बॉईल किए हुए आलू, बॉईल किए हुए वटाने, स्प्राउट किए हुए चने, काला नमक, ये भाजा मौशला, साथ में चनाचूर, साथ में सेव, हरी मिर्च की पेस्ट, मस्टर्ड ऑयल, और फिर एक बहुत ही यूनिक मस्टर्ड ऑयल ऐड किया जाता है जो आम का अचार होता है उसके ऊपर नहीं तेल जो आ जाता है, मस्टर्ड ऑयल आ जाता है, उसे लेकर इसमें ऐड किया जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वो अचार का फ्लेवर होता है। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके झालमुरी बनाई जाती है। तो मैंने सारी तैयारी अभी करके रखी हुई है, तो अभी इसे असेंबल कर लेते हैं YFL स्टाइल।
हमारी झालमुरी रेडी हो गई है और बहुत ही डिलिशियस बनती है, एकदम चटपटी। और वो जो मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर है ये बहुत यूनिक होता है इसके अंदर। जो हमारी मुंबई में भेलपुरी बनती है उसका एकदम अलग फ्लेवर होता है क्योंकि उसमें मस्टर्ड ऑयल नहीं होता है। तो एक बहुत ही पिक्यूलियर टेस्ट है, काफ़ी स्पाइसी होती है, चटपटी होती है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो इसी तरीके से बना सकते हो, कोशिश तो पूरी की है उसी स्टाइल में बनाने की। तो आपने पहले झालमुरी खाई हुई है और आपने देखी है बनते हुए, तो मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये वाली रेसिपी कैसे लगी है। कोई कोई वेंडर्स जो है इसमें क्यूकुम्बर भी डाल देते हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है रेसिपी, मैंने इस तरीके से बनाई है। तो ज़रूर ट्राई करो रेसिपी, मुझे बताओ आपको कैसे लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू वाईएफएल इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद माय झालमुरी रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।